हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण यानी कि जो कि 5 मई को लगने वाला है उसके बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को होने वाला है, भारत में नज़र नहीं आएगा वैसे तो ये, इसलिए इसका जो सूतक काल है वो मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं इन बातों का विशेष ध्यान रख सकती हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में लग चुका था, वहीं चंद्र ग्रहण 5 मई को लगने वाला है। माना जाता है कि ग्रहण के समय बच्चे बुजुर्ग के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के खगोलीय घटना मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु के कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और ऐसे समय में चंद्रमा पर संकट की घड़ी होती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को खुद का अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। जानिए चंद्र ग्रहण के समय महिलाएं किन कामों को करने से बचें, चंद्र ग्रहण के समय किन कामों को गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का टाइम। तो चंद्र ग्रहण का टाइम है 8:45 से शुरू होगा और रात को 1:02 पर समाप्त हो जाएगा। और ये जो ग्रहण है एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जो कि ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसका भारत पर असर होगा या नहीं, चलिए ये जान लेते हैं। तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और ये भारत में नहीं देखा जाएगा, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और जो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल होता है उसी तरह चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में ग्रहण ना होने के कारण गर्भवती महिलाओं पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण रात के समय पड़ रहा है तो ऐसे में महिलाएं आराम कर सकती हैं। और किन किन बातों का ध्यान रखना है चलिए जानते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय बाहर ना जाएं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव माँ के साथ साथ बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा ना देखें, ऐसा करने से बचना चाहिए, इससे आंखों के साथ साथ सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ग्रहण के समय भोजन करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण भोजन दूषित हो जाता है, ऐसे में आप खाने के बजाय फलों को धोकर खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह भी आपको नहीं लेना है, इससे आपको कोल्ड कफ की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय नुकीली चीज़ें सुई धागा, कैंची, चाकू, छुरी और अगर आपने साड़ी वगैरह पहनी है उसमें सेफ्टी पिन या फिर बालों में हेयर पिंस वगैरह लगे हों तो उन्हें पहले ही निकाल दें। और ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों को ऐसा भी कहा जाता है कि लोहे की चीज़ें कहीं कहीं पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएँ होती है, तो कहीं कहीं पर ना लोहे की चीज़ें छूने पर भी मनाही होती है। तो अगर आपने लोहे का चश्मा पहन रखा है तो आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं। और रही बात देखिए इसके दुष्प्रभाव की, तो ये सब कुछ मानने और ना मानने के ऊपर होता है। इस पर प्रॉपर वीडियो मैंने एक और बनाया है चंद्र ग्रहण के ऊपर, जो मेरे चंद्र ग्रहण के ऊपर इसके पहले वाली जो वीडियो है ना वो आपको जाकर देखनी है। मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में पूरी में बात की है पूरी वीडियो में कि कितने हद तक ये सच होता है और शास्त्र के अनुसार और ये विज्ञान के अनुसार इसका रीज़न क्या होता है और गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ता है सब कुछ। तो इसमें मैं सिर्फ वही बातें कर रही हूँ जो कि कही जाती है, जो पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं और गर्भवती महिलाएं फॉलो करती आ रही हैं। सो अब बारी आती है ग्रहण समाप्त होने की। तो जब ग्रहण समाप्त हो जाता है 1:02 पर, तो गर्भवती महिला को पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। वैसे रात का समय है तो आप अगर नहीं भी नहाएं तो भी चलेगा, आप
अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर हाथ पैर मुँह धोकर और सो जाइए। सुबह उठते से ही सबसे पहले नहाना है और ध्यान रखिएगा कि आपको ग्रहण के दौरान काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और जो भी आप कपड़े पहनती हैं उनसे इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको पूरी प्रेगनेंसी में वो कपड़े दोबारा से यूज़ नहीं करने होते हैं, ऐसा पुराने समय से मान्यता आ रही है। इसलिए आप सोच समझ के कपड़े पहनिएगा, उसको या तो दान कर देना या फिर जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उन कपड़ों को दोबारा आपको यूज़ नहीं करना है। और ज़्यादा सेफ्टी के लिए अगर आप रात को खाना बना लेती, वैसे तो रात को लेट स्टार्ट होने वाला है चंद्र ग्रहण, जब तक तो ऑलमोस्ट सब लोग खाना खा भी लेते हैं, और अगर आप नहीं भी खाते हो तो उस दिन खा लीजिए खाना जल्दी, 8:45 के पहले पहले खाना खा लीजिए। और जो भी खाना बचा है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते डालने से जो तुलसी में इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है कि वो पूरी नकारात्मक एनर्जी जो होती है वो पूरी खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि आप पर कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो अगर आप तुलसी डला हुआ खाना खाती या फिर पानी पीती हैं तो आपको तुलसी को हटाकर वो पानी पीना है, तुलसी आपको चबाकर नहीं खाना है। और आपको क्या करना है, उस दौरान जब ग्रहण हो तो आप सो नहीं सकते लेकिन आप लेट सकते हैं, लेट कर आप आराम कीजिए, पैरों को फैलाकर लेट जाइए या फिर टिक कर बैठ जाइए, सोना नहीं है। भगवान का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जो भी आपको आता हो वो आप जाप कीजिए, जो भगवान आपको प्रिय है उनका नाम लीजिए और मन ही मन भगवान का स्मरण कीजिए। और गंदे विचार मन में बिल्कुल भी मत लेकर आइए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए आपके मन में। पॉजिटिव सोचिए, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, आप चाहें तो अपने मन को शांत करने के लिए अपने बच्चे का नाम सोच सकती हैं, बच्चे के बारे में सोचिए, बच्चे के कपड़े के बारे में सोचिए, बच्चे से रिलेटेड कुछ भी सोचिए, आपका टाइम कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस दौरान अगर जैसा कि कहा जाता है कि आपको बाहर नहीं निकलना होता है, तो ऐसे में अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है, तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी और चंद्र ग्रहण के दौरान अंधेरा हुआ करता था, तो उनका पैर स्लिप होने के कारण उनको बाहर जाने की मनाही हुआ करती थी। लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं तो आपको इस पर रोक टोक नहीं करनी है, वरना आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो आप बाथरूम वगैरह जाइए, और वैसे बिना आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाने में जैसे कि 9 बजे से पहले, 8:45 तक ग्रहण स्टार्ट होगा, तो इस दौरान भूख लग सकती है आपको, तो आप लिक्विड डाइट ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं, है ना। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ना ही भूख को मारना है। आप सोच रहे हैं कि ग्रहण लग रहा है तो मैं पानी भी ना पीऊँ, और तो ये सब आपको नहीं करना है। तो आप बिंदास होकर रहिए घर में, घर के गेट बंद कर दीजिए, पर्दे बंद कर दीजिए, और ये भी कहा जाता है कि अंदर रोशनी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आप और ज़्यादा सेफ्टी चाहती है तो आप पेट पर तुलसी का लेप लगा सकती हैं या फिर गेरू का लेप लगा सकती हैं। गेरू जो होता है ना, कल मटके के ऊपर जो कलर होता है वही, उसे ही शायद गेरू कहते हैं। और अगर आपको पंसारी की शॉप पर जो आसानी से मिल जाता है उसमें आप गंगा जल डालिए और उसका एक लेप बना लीजिए और अपने पेट पर लगा लीजिए। इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर एक और चीज़ के अब ज़्यादा सेफ्टी के लिए एक और चीज़ कर सकती हैं, वो है आपको पानी वाला नारियल लेना है और अपने पास रखना है पूरे ग्रहण के दौरान, अपने पास रखना है। ये चीज़ें ना पहले ही मंगा कर रख लीजिएगा, क्योंकि रात में है चंद्र ग्रहण, तो आपको दिन में ये सारी चीज़ें, अगर आप गेरू का लेप लगा रही तो गेरू मंगा लीजिए, और अगर अपने पास नारियल रखना है तो नारियल भी पहले से मंगा लीजिए। तो और जब ग्रहण ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट डे आपको जो नारियल रहेगा उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है या फिर उसे ठंडा कर देना है कहीं पर भी। और आपको ना ग्रहण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब मानने और नहीं मानने के ऊपर होता है। चाहे जो लोग मानते हैं ना उनके लिए पत्थर भी भगवान होता है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए वो मामूली सा एक पत्थर होता है। तो आपको बिल्कुल भी गंदे विचार अपने मन में नहीं लाना है। बाई चांस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ग्रहण के दौरान तो भी आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि पहली बात तो ये उपछाया चंद्रग्रहण है और उपछाया जो चंद्रग्रहण होता है वो उस चंद्रग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है, वो ग्रहण नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी जो महिलाएं पालन करना चाहती हैं, रूल्स फॉलो करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस गलती से तो आप पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पुराने ज़माने में तो ना लोगों को पता भी नहीं होता था कब ग्रहण हो जाता था कब, क्योंकि उस टाइम पर ना टीवी होती थी ना मोबाइल होता था और ना ही इतने लोग पढ़े लिखे होते थे, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि कब चंद्र ग्रहण है और कब नहीं है। और वो लोग ना ऐसे ही चलते थे जैसे रोज़ रोज़ जैसे उनका दिन निकलते हैं। सो ऐसे में आपको घबराने वाली बात नहीं है, अभी तो आपको पूरी जानकारी भी यूट्यूब के थ्रू और आर्टिकल्स के थ्रू, गूगल पे, न्यूज़ के थ्रू सब कुछ मिल जाती है। पहले के लोगों को तो कुछ पता भी नहीं होता था कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएँ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सब जगह एक जैसी हो और सबके साथ एक जैसा ही हो प्रभाव। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।